उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में दिल्ली सहारनपुर हाईवे निर्माण के लिए किए गए पिलर के गड्ढे में एक युवक गिर गया, जिसमें सरिया लगा हुआ था, जिससे सरिया युवक के शरीर में घुस गया। युवक का चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और केटर्स एम्बुलेंस की टीम को बुलाया गया। केटर्स एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कटर मशीन से सरिया काट कर युवक को बाहर निकाला। LNJP अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टर युवक के शरीर से सरिया निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिलर निर्माण के लिए गड्ढा काफी दिन पहले बनाया गया था, लेकिन उसे भरा नहीं गया और न ही कोई सुरक्षा गार्ड को वहां तैनात किया गया। कंपनी की लापरवाही से उनकी जान पर जोखिम बना हुआ है। हमें कॉलर ने बताया है, क्या कहते हैं, एक पेशेंट है, मतलब एक बंदा है, वो गड्ढे में गिर चुका है और उसके सरिया लग चुका है। जब हमने मौके पे पहुंचे, हम 4 से 5 मिनट में मौके पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमने देखा तो उसके बंदे के सरिया यहाँ से घुस के पीछे तक आरम पार हो रखा था। फिर हमने जाने के बाद में जो हमारे पास हथियार होते हैं जो काटने वाले, वो हमने उनसे कोशिश करी, उनसे नहीं कटा, तो फिर हमने दूसरे से ग्लेंडर मंगाया, तो फिर हमने ग्लेंडर से काट के उसको ले जाके LNJP में भर्ती करा दिया। अभी पिलर का काम चल रहा था, कोई फ्लाईओवर का काम चल रहा था, उसके कारण वो गड्ढा काफ़ी दिन से, मैं अभी देख रहा हूँ जो जाते आते कॉलिंग टाइम होता है हमारा जाने का, तो वो काफ़ी दिन से गड्ढा है, उसके कारण जाम भी लगता है, सब कुछ लगता है, पर उस गड्ढे पर कोई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।